अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव और नव नियुक्त प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा अपने 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे के लिए देहरादून पहुंची। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के देहरादून आगमन पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं कांग्रेस कार्यालय पहुंचते ही कुमारी शैलजा ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि चुनाव का समय है, इस तरीके का आवागमन चलता रहता है। वहीं उम्मीदवारों की पहली सूची तैयार करने की बात पर प्रदेश प्रभारी ने कहा कि हमारी केंद्रीय स्क्रीनिंग कमेटी है, उसके बाद हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी भी है, इन सभी से सर्वे करवाकर फिर जब इलेक्शन कमेटी बैठेगी तभी प्रत्याशियों पर निर्णय लिया जाएगा। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। पहली सूची कुछ नहीं है, हमारी सीटें हैं, हमारी केंद्रीय स्क्रीनिंग कमेटी भी है, उसके बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, सबके विचार लेकर बाकी सर्वे भी करती है पार्टी, फिर जब सेंट्रल इलेक्शन कमेटी बैठेगी।